नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन के चलते जरूरतमंदों के जीवन व्यापन के लिए पैनल नंबर 16 की नगर सेविका कंचन अमरलुंड और नगर सेवक शंकर शेरीलुंड की ओर से चलाया जा रहे सहायता अभियान में रोज जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट्स बांटे जा रहे हैं। इनकी ओर से पहले 3000 परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाई गई थी, अब इन्होंने जरूरतमंद लोगों को बनाए हुए खाने के पैकेट्स लोगों को दिए जा रहे हैं। अमरलुंड और शंकर शेरीलुंड द्वारा शहर में जरूरतमंदों को हर दिन 2000 से ज़्यादा लोगों को खाने के पैकेट्स पहुंचाए जा रहे हैं। यह राहत कार्य लॉकडाउन के बाद से ही शुरू किया गया है, जो अब तक जारी है, ताकि ज़रूरतमंदों को कुछ राहत मिल सके। जब इस बारे में अमरलुंड से बात की गई तो इन्होंने बताया, इस काम के लिए उनके प्रभाग के लोग उनके साथ खड़े रहते हैं और वे हमारा साथ देते हैं। इन ज़रूरतमंद लोगों के खाने के लिए वे आगे आते हैं और साथ ही साथ काफ़ी सेवादारी भी निस्वार्थ तरीके से आगे आते हैं और इस काम में हाथ बटाते हैं। 16 नंबर पैनल के लिए हम लोगों ने शुरुआत में अनाज बांटने की व्यवस्था की। करीब करीब 3500 लोगों के पास हम लोगों ने अनाज बांटा। उसके बाद भी हम लोगों ने देखा बहुत सारे लोगों को अलग अलग सी दिक्कतें भी आने लगी। किसी के पास गैस सिलेंडर के लिए पैसे नहीं हैं, किसी के पास तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो हम लोगों ने खुद अनाज को खाने में तब्दील करके खाना बना के हम लोगों ने घर घर बांटना चालू किया। इस बात को कुछ 4 दिन हो गए हैं। करीब करीब हम लोगों ने पहले दिन से 1000 पैकेट बनाए, आज दूसरे दिन 2000 बनाए, अभी 3500 पैकेट तक आज हम लोग पहुंच गए थे। आज हम लोगों ने 3500 लोगों को खाना बना के बांटा है। अमर जी, सोशल मीडिया पे कमेंट हुआ था पैनल नंबर 16 के लिए कि कोई नगर सेविका का पति कुछ दूसरी जगहों से कुछ अनाज लेके लोगों को बांट रहे, और लोगों से अपील की जा रही थी कि उस नगर सेविका के पति से आप कुछ भी ना लें, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप भी पैनल नंबर 16 से ही चुनकर आते हैं। राजेश जी, ऐसी जानकारी मुझे कुछ है नहीं, मगर आपने खुद ही देखा, आपकी कैमरा ने ही रिकॉर्ड कर लिया हमारी किचन को। आज किचन में हमारे यहाँ पर पूरी व्यवस्था है लोगों के लिए खाना बनाने की। हमारे यहाँ पर खुद खाना बना के हम लोग खुद बंटवा भी रहे हैं, तो ऐसे मुझे नहीं पता है कि कोई कहीं और अलग जगह से लेके यहाँ पर हमारे एरिया में बांट रहा है। मुझे और लगता भी नहीं है, हम लोग जितना अनाज बांट रहे हैं उसके बाद हमारे पैनल में किसी को भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस लॉकडाउन के पीरियड के लिए आप अपने पैनल वासियों को कुछ कहना चाहेंगे? लॉकडाउन के पीरियड में मैं अपने पैनल वासियों को हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि सब घर में रहें, स्वस्थ रहें, घर से बाहर मत निकलें, लॉकडाउन के नियमों को मत तोड़ें, यही मेरा अनुरोध है उनको। सही मायने से देखे जाएंगे तो जो कल्पोगेटक है अमरगुंड और सेगेगुंड, इन्होंने पिछले टाइम भी करीबन 4 से 5 हज़ार लोगों का अनाज इकट्ठा राशनिंग करके सब लोगों को दिया था। अभी 2 दिन से लोगों को खाने की दिक्कत हो गई है, लॉकडाउन बढ़ गया है, तो खाना चालू किया हुआ है। और एक समाज सेवक, पॉलिटिक्स छोड़ने के बाद हमारी एक जिम्मेदारी होती है, जो समाज में काम करना चाहिए वो अच्छा काम करने की कोशिश हो लोग कर गए। आज करीब 2 से 3 हज़ार लोगों का रोज का खाना बना के वो लोग बांट गए। और जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, उनको आज काम पे नहीं जाने के वजह से आज पगार बहुत जनों को मिला नहीं, जो रोजनदारी पे काम करते थे उनका काम रुका हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए जो खाने की व्यवस्था होनी चाहिए और वो खाने की व्यवस्था कर गए, उसके लिए मैं दोनों भाइयों का नाम, उनका अमर और शेगी है, लेकिन मैं राम लक्ष्मण कहूँगा, दोनों भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और ऐसे ही वो आगे काम करते गए। दादा, इस लॉकडाउन में आप अपने मतदाताओं और शहरवासियों को कुछ आह्वान करना चाहेंगे? मैं मेरे मतदाता, मेरे शहर, मेरे देशवासी को एक ही आह्वान करूँगा कि आज अपन देश सेवा करने का वक्त है, और ये देश सेवा हम घर में रह के कर सकते हैं, क्योंकि आज जो बीमारी है वो एक दूसरे को छूने से या एक दूसरे के सामने हम जब बात करते हैं, हमारे मुंह से जो थूक निकलती है या हमारे मुंह से हवा निकलती है,
उससे ये बीमारी फैलती है। इसलिए हर आदमी ने घर में रहना चाहिए और घर में रह के देश सेवा करनी चाहिए। मैं हमारे देश के पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स सिस्टर है, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि ये लोग आज अपनी जान के ऊपर खेल के लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या पुलिस वाले भी अभी कोरोना के इसमें चपेट में आए हुए हैं, तो ऐसा होने के बावजूद भी वो जॉब अपना कर रहे, देश की सेवा कर रहे, तो हमने भी एक देश की सेवा करनी चाहिए। वो देश की सेवा मतलब जो घर में बैठना है, लॉकडाउन का पूरा पालन करना है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।